नमस्कार। माह रमज़ान शुरू हो चुका है, ख़ास करके हमारे देशवासियों के लिए और ख़ास करके मुमरा वासियों के लिए माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे सभी जो ख़ास करके अभी ये जो कोरोना की बीमारी पूरे दुनिया भर में फैली हुई है, और उसके लिए ख़ास करके मैं सभी हमारे मुस्लिम भाई है उनको दुआएं करने के लिए रिक्वेस्ट विनती करता हूँ कि ये कोरोना बीमारी दुनिया भर से जल्दी ख़त्म हो जाए और सभी लोगों को इससे निजात मिले। और एक ख़ास करके मैं आप सभी जो मुस्लिम भाई है, आज अभी रोज़े शुरू हुए इस रमज़ान में आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि इस तकलीफ़ों के लिए और दुआओं के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये समझो रमज़ान में जो तकलीफ़ होगी उसके लिए आप दुआएं करो। अल्लाह ताला ने अगर मैं समझता हूँ कि अगर इस अल्लाह ताला का ये एक फैसला ही समझ लीजिए कि लोगों को घर पे बैठने के लिए मजबूर किया है, तो वो उस फैसले को मंजूर करके हमें घर में बैठना है। हमें कहीं भी अगर बाज़ार में जाते हैं तो उसका हमें सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। खास करके घर में रहिए और अपने को और अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रखिए, यही कहना चाहूँगा। और फिर से एक बार माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे साथ नव तरुण पदयात्रिक मित्र मंडल के जो है अध्यक्ष अविनाश कीने जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो खासकर रमज़ान के मौके पर शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। पहले तो सभी देशवासियों को मेरी और हमारे पूरे मंडल के ओर से सबको बधाई देता हूँ कि रमज़ान महीना जो है पवित्र महीना, वो महीना अच्छी तरह से आपका गुजरे। और ये और दूसरा है कि कोरोना को हम जल्द से जल्द भगाएंगे, ये रमज़ान महीने में अच्छे पाक महीने में उसको हम भगाएंगे। और आप अपना ख्याल रखें और सभी लोग को आजू बाजू जो रहते हैं अपने आजू बाजू में किसको क्या है क्या नहीं वो सबका ख्याल रखें, और किसको क्या चाहिए क्या नहीं वो सब अपना ख्याल रखें। और सभी को फिर से एक बार रमज़ान मुबारक।